92 साल से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को खत्म कर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैबिनेट ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। संसद की मंजूरी के बाद 2017 से एक ही बजट पेश किया जाएगा, यानी अब अलग से रेल बजट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही अब रेल बजट के सभी प्रस्ताव आम बजट में शामिल कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार को लाभांश का भुगतान भी नहीं करना होगा। बावजूद इसके रेलवे की कामकाज में स्वायत्तता बनी रहेगी। रेल मंत्रालय का वित्तीय लेखा जोखा भी आम बजट का उसी तरह से हिस्सा होगा जैसे दूसरे मंत्रालय के लिए होता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दाल, खाद्य तेल एवं तिलहन के लिए भंडारण सीमा की अवधि एक साल के लिए यानी 30 सितंबर 2017 तक बढ़ा दिया है। बहरहाल दोनों मंत्रालयों के अधिकारों का बंटवारा और कई अहम विषयों पर फैसला लेना बाकी है। इसके साथ ही बजट सत्र और बजट पेश करने की तारीखें भी बदल सकती हैं। रेल बजट के आम बजट में विलय होने के बाद देखना बाकी है कि किराया और माल भाड़ा तय करने के अधिकार किसके पास जाते हैं और लोगों को क्या राहत मिलती है। देखते रहिए डीबी लाइव।